Welcome to Coder Students. TCS NQT 2020 में आपका स्वागत है और आज जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो प्रोग्राम है जो TCS के मॉक टेस्ट में पूछा गया है कोडिंग सेक्शन से। और आप सभी को पता है कि कोडिंग सेक्शन is very important for everyone. आपको एक real time पर program बनाना है और उस program को वहाँ पर compile भी करना है और run भी करना है। But program जो पूछे जाएंगे बहुत simple program रहेंगे बच्चों, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, आप लोग उस प्रोग्राम को क्या समझते हो कि इज वेरी डिफिकल्ट और आप लोग उसको ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हो, जबकि आपको एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ने के बाद उस चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है और उस प्रोग्राम को आपको बनाना है। तो अभी जो TCS का मॉक टेस्ट है, मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस के सॉल्व करके बताया था, ये कोडिंग पार्ट का पार्ट है। और इस प्रोग्राम में क्या पूछा गया है इसको हम ध्यान से समझेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम एज पर द बिलो स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट क्या है, एक्सेप्ट वन इंटीजर नंबर, ठीक है, विच विल बी अ टू डिजिट नंबर फ्रॉम STDIN। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक ऐसा नंबर हमको इंटर करवाना है, STDIN का मतलब होता है एंटर करना, जो टू डिजिट का हो। उसके बाद इंटरचेंज द टू डिजिट ऑफ दिस नंबर, उसके बाद अगर मैं ये दो डिजिट का नंबर, टू डिजिट का नंबर को इंटरचेंज करता हूँ, प्रिंट द रिजल्ट नंबर टू STD आउट फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट इज 21 द इट विल बी 12 टू STD। मीन्स आपको एक टू डिजिट का नंबर लेना है और उसको रिवर्स कराना है। इसकी कंडीशन यह है कि देयर विल बी नो जीरो एज एनी ऑफ टू डिजिट, ओके, उसमें कोई भी जीरो नंबर नहीं होना चाहिए अदर देन द कैलकुलेट न्यूमेरिक आउटपुट वैल्यू, नो अदर स्ट्रिंग मैसेज शुड बी प्रिंटेड टू STD आउट। तो आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम जो पहले आप उसमें टू नंबर्स का एंटर करवाओगे, स्कैन करवाओगे, देन उसके बाद आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आप इस नंबर को क्या करने वाले हो बच्चों। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसका प्रोग्राम सी में बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए हम लोग डैप प्लस प्लस पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर सोर्स फाइल लेंगे, क्योंकि आपको वहां पर इसी तरीके का कंपाइल मिलेगा, कंपाइलर मिलने वाला है। यहां पर हम सबसे पहले हैश इन क्लूड stdio.h करेंगे, ये आपको यहाँ पर हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम इंट एक नम लेंगे और जिस नम को हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं, तो प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आप %d ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग, या भी आपको यहाँ पर नंबर को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर अ टू डिजिट नंबर, और इसके बाद आपको इस नंबर को क्या कराना है, scanf कराना है। तो scanf में आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज किया %d का, और एड्रेस ऑफ नम हमने यहाँ पर ये नंबर एंटर करा दिया। इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस नंबर को क्या करना है, प्रिंट एफ करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू को शो करना है। इस नंबर को आप क्या करो, प्रिंट करा दो।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया, एक नंबर को एंटर किया और उसको प्रिंट कराया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो आप देखिएगा, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ TCS 1 नाम से। इस प्रोग्राम को मैं जब कंपाइल और रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डायरेक्टरी बता रहा है STDIO, ओके, .h मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इसको कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया। यहाँ पर मैं जैसे ही नंबर एंटर करूँगा 12, तो आंसर यहाँ पर 12 आ रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही मैं नंबर 12 एंटर करूँगा या 21 एंटर करूँगा, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, उस नंबर को रिवर्स करना है मुझे। तो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिवर्स का लॉजिक लगाऊंगा मैं, और यहाँ पर लॉजिक लगा रहा हूँ व्हाइल लूप से। तो रिवर्स करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसका नाम है रिवर्स, और एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसका नाम है रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा और व्हाइल लूप के अंदर लिखने वाला हूँ कि नम इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस नंबर का रिमाइंडर फाउंड आउट करूँगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर यहाँ पर कैसे आता है, नंबर में हम मॉड कर देंगे 10 से, तो हमको उस पर्टिकुलर नंबर का क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझें कि रिवर्स जो नंबर हम कराने वाले हैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करूँगा। अब आप देखिए, आपको रिवर्स नंबर कैसे मिलता है, आप रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू, जितने से आपने डिवाइड किया उसी से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। और उसके बाद आपको उस नंबर का क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से, जिससे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल सके। आपको पता है ये ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है और ये क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन इसलिए हमको चाहिए क्योंकि हमको नेक्स्ट नंबर भी चाहिए, हाँ या ना। और इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो भी वैल्यू आएगी इसको रिवर्स की, उसको हम रीइनिशियलाइज कर देंगे नंबर में। अब बच्चों, मैं इस प्रोग्राम हमारा बनकर रेडी हो गया, जो TCS मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, और इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको रन करने वाले हैं और देखते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और रन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर अ टू डिजिट नंबर, मैंने TCS के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 बार एंटर किया और आप देखें यहाँ पर मुझे कितना मिला, 12 आंसर मिल गया। इस तरीके से हमको प्रोग्राम बनाना है। अगर मैं इसके अंदर आपको 20 डालूंगा तो 20 मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा, तो ये आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा है कि 0 वाला नंबर यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो आप देखिए, यहाँ पर आपका प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ कर TCS NQT के अंदर इस तरीके के प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंतर्गत इस तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको काफ़ी प्रोग्राम्स लेके आ रहा हूँ, ये तो रिवर्स नंबर का हुआ, इसके अलावा आपसे प्राइम नंबर पूछ सकते हैं आप लोगों से, वो लोग पैलेंड्रोम पूछ सकते हैं आप लोगों से, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन प्रोग्राम्स को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बताऊंगा एकदम सिंपल वे में, जिससे क्या होगा आप, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो आपको मैं बहुत सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, तब तक के लिए आप बने रहिए कोडर के साथ। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके इनको शेयर करिए दूसरों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स के कि किस तरीके, कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है और कौन कौन मेरा वीडियो नहीं देख रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए जिससे मैं आगे चलकर बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बना सकूं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।